आज की वीडियो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 और चैप्टर आपका है 10, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। और इस पूरी एक्सरसाइज 10.1 में आपको एक ही चीज कॉमन देखने को मिलने वाली है, वह है वृत्त का समीकरण। और देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि वृत्त का समीकरण आखिर होता क्या है। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको सिंपल एक वृत्त का समीकरण लिख करके दे देता हूँ कि यही फॉर्मूला आपको पूरी इस एक्सरसाइज में यूज करना है। तो वृत्त का समीकरण देखो बच्चों क्या होता है, सिंपल आपने देख लेना है। ये होता है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाता है आपका r स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने इस पूरी एक्सरसाइज में देखना है, और इसके अलावा आपको कोई दूसरा फॉर्मूला देखने को नहीं मिलने वाला है। r क्या है, त्रिज्या है, एक्स वाई क्या है आपके, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को कंप्लीट करें कि ये पॉइंट्स जो है एच और के देख रहे हैं, ये क्या है, एक्स वाई क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो देखते हैं, यदि किसी वृत्त का केंद्र, यदि किसी वृत्त का केंद्र, यदि किसी वृत्त का केंद्र क्या है, एच कॉमा के व त्रिज्या आर है, ठीक, और तब आपका क्या हो जाएगा, तो वृत्त का समीकरण आपका जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो देखो आपने एक दूरी सूत्र याद किया था, एक्स माइनस सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो लगभग उसी से फॉर्मूला ये मैच करता हुआ है, कोई इसमें आपको अलग से इसमें देखना नहीं है। ठीक हो गया, तो दो ही चीजें आपने इसमें याद करनी है कि एक आपका आर क्या है और एक एच और के क्या है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है केंद्र 0.2, देखो केंद्र आपको यहाँ पे एच और के दे रखा है, और यहाँ पे आपको मान दे रखा है केंद्र का, यानी 0.2 दे रखा है। त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 2, यानी आर का मान दे दिया आपको, एच और के का मान दे दिया। सिंपल आपको एक समीकरण बनाना है। ठीक है, एच और वाई सॉरी एक्स और वाई आपको क्या कहाँ यूज मिलेंगे, सिर्फ आपको मिलने वाले हैं एक समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, एक्स और वाई जो है वो एक समीकरण बनाएंगे, बाकी एच और के और आर का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमें दिया है केंद्र दे रखे हैं, केंद्र बिंदु, और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है ना, सब अच्छे से जानते हैं। तो केंद्र बिंदु आपको दे रखे हैं, केंद्र बिंदु एच कॉमा के आप मान के चलते हैं, तो ये आपको दे रखे हैं 0.2। ठीक है, और त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है आपको कितना, 2। तो सिंपल आपने क्या करना है, वृत्त का समीकरण लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, और यही पूरा फॉर्मूला आपका यहाँ पर सिंपल सेम आ जाना है। तो इसको हम ले आते हैं नीचे कॉपी करके, ये आपका फॉर्मूला बच्चों आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आपने लिखा वृत्त का समीकरण, और वृत्त का समीकरण हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स, एच का मान आपको रखा कितना, देखो 0, तो एक्स माइनस हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो वाई के का मान आपको रखा है कितना, 2, तो ये आ जाएगा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का मान दे रखा आपको 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सिंपल सा, आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक्स माइनस 0 देखो, एक्स माइनस 0 करेंगे तो आ जाएगा क्या, एक्स, और एक्स का स्क्वायर बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कंप्लीट। देखो वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस का 2 गुणा ए का मान है वाई गुणा बी का मान कितना है 2, और बराबर में 2 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर देते, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो 4 क्यों गुणा सॉरी 4 कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारा आ गया सॉरी एक्स स्क्वायर बन गया प्लस वाई स्क्वायर बन गया, फिर ये आ जाएगा आपका कितना, 2 क्यों गुणा 2 से कराएंगे 4, 4 क्यों गुणा वाई से बन जाएगा माइनस का 4, वाई देखो प्लस का 4 है, बराबर कितना लाएंगे बन जाएगा कितना माइनस का 4। ठीक है, देखो 4 पहले से यहाँ पर था, वो वैसे का वैसे रहा, ये जो प्लस का 4 था बराबर के चला माइनस का 4 बन गया। तो आपके पास एक समीकरण बन गया, देखो एक्स स्क्वायर और फिर है आपके पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई, और बराबर में कितना आ गया आपके पास, 0। ठीक है, तो यही आपका क्या है, वृत्त का समीकरण है। आई होप बच्चों इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए। सिंपल देखो है क्या इसमें, वृत्त का समीकरण आपने देख लेना, एक्स माइनस एच वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, उसमें आपने मान रख देना है। ऐसे अब देखते हैं नंबर सेकंड के लिए।
नंबर सेकंड में देखो आपको जो केंद्र बिंदु दे रखे हैं -2.3 और त्रिज्या दे रखी है आपको 4 इकाई, तो नंबर 2 डाल करके यहाँ पर हम सीधा सॉल्व करते हैं। केंद्र बिंदु जो हमें दे रखे हैं वो लिख लेते हैं, जो हमें मान दे रखा है वो आप लिखेंगे पहले। केंद्र बिंदु H, K आपको दे रखे हैं कितने, ये दिए आपको -2.3, -2.3 और आपको क्या दिया है त्रिज्या, त्रिज्या यानी R का मान दे रखा है कितना है 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर पहले हम लिखेंगे क्या वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों, वृत्त का समीकरण आई होप आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा, x-h² + y-k² = r² तो यहाँ पे अगर हम मान रखें h का मान है आपके पास कितना है, देखो -2, देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये बन गया x+2² + y-k का मान है आपके पास कितना है 3, तो ये आ गया y-3² = r का मान है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो x+2 का स्क्वायर करेंगे यानी ए प्लस, यहाँ पे देखो आप दो फॉर्मूले और जो आपको ज्यादा यूज करने हैं वो है देखो एक आपका a+b² क्या होता है आपका a² + b² + 2ab, और जो दूसरा फॉर्मूला आपने याद करना है x-b² ये होता है आपका a² + b² - 2ab, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज होना ज्यादातर। तो देखो a+b² तो आपका बन जाएगा a² + b² + 2 * a का मान है आपके पास x इंटू बी का मान कितना है 2, फिर आ गया आपका प्लस आ जाएगा देखो y-3 यानी a-b² तो ये बन जाएगा आपका a² + 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस देखो a² + b² - 2ab दूसरा वाला फॉर्मूला, तो 2 * a का मान है आपके पास y गुणा b का मान कितना है 3 बराबर में 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16, देखो आपका बन जाएगा ये x², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और देखो 2 * 2 से करेंगे 4 और 4 * 1 से कराएंगे तो बन जाएगा प्लस का 4x, फिर प्लस आपके पास क्या है y², फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 * 3 = 9 और इनकी गुणा कराएंगे 3 * 2 = 6 आ जाएगा माइनस का 6y = 16। और अगर हम देखें घात तो सबसे पहले आ जाएगा x², फिर आगे ले आते हैं हम +y², फिर आपके पास है +4x, फिर आपके पास है -6y और अब बचे आपके पास +9 और +4, 9 * 4 हो जाएगा 13 और जब आप बराबर की तरह लाएंगे तो बन जाएगा -13, तो 16 में से 13 गया बचेगा आपके पास कितना 3। तो लास्ट जो आपके पास एक इक्वेशन निकल करके आई है वो है x² + y² और फिर आपके पास +4x - 6y और लास्ट आ गया आपके पास कितना माइनस का या प्लस का 3 है उसको आप वहीं का वहीं रखेंगे तो आपके पास देखो कितना निकल करके आ जाएगा बराबर में 3, ठीक है। तो इस तरह से आपका नंबर सेकंड भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको केंद्र यानी एच और के का मान दे रखा है 1/2 और 1/4, त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है 1/12, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर थर्ड और लिखेंगे केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु आपको दिए हुए हैं H, K आप ले लीजिए यहाँ पे H, K बराबर में 1/2, 1/4, ठीक है। और त्रिज्या आपको दे रखी है त्रिज्या यानी आर, आर का मान दिया आपको कितना है 1/12। सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे हम क्या वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण कितने बच्चों को याद हो गया फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। तो ये होता है आपका x-h² + y-k² = r². वैसे जब हम मान रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका x तो सेम वैसे रहेगा, माइनस h का मान है आपके पास कितना देखो 1/2 और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y आपका वैसे का वैसे रहेगा, माइनस k का मान है आपके पास कितना 1/4, ये हमने कर दिया 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर यानी 1/12 का स्क्वायर कंप्लीट। सिर्फ अभी हमने क्या रखा है मान रखा है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये बनेगा x² a² देखो a-b² तो ये बनेगा आपका a²
माइनस ए स्क्वायर प्लस आपका बन जाएगा बी स्क्वायर। बी यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा आपका 1/4, फिर माइनस का 2 गुणा ए का मान एक्स गुणा बी का मान 1/2। ये आपने पहले वाले इसको आपने क्या कर दिया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b का मान, फिर प्लस वाई माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी से वही सेम वही फॉर्मूला लगना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले लगाएंगे ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा आपका कितना 16, माइनस का 2 गुणा a का मान है आपके पास y, b का मान है आपके पास कितना 1/4। ऐसे ही बराबर में 1/12 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 144। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अभी फिलहाल हमारे पास क्या क्या है, एक्स स्क्वायर को हमने वैसे लिखा प्लस 1/4 वैसे का वैसे लिखा। अब देखो 2 से आपका ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, एक्स गुणा एक्स से कराएंगे कितना बचेगा सिर्फ माइनस का एक्स। ऐसे ही प्लस आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर फिर प्लस का 1/16 है और 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4, वाई बट्टे कितना बचेगा 2, माइनस का वाई बट्टे 2 बराबर में 144। और हमारे पास अब क्या क्या बचा है उसको हम देख लेते हैं। ये आ गया आपका 144। नेक्स्ट अब हमारे पास देखो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर है और फिर उसके बाद इसको हम सिंपल क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे देखो जो बट्टे में है उसको हमने हटाना है, तो सिंपल देखो हमारा एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर रखेंगे प्लस वाई स्क्वायर लेकर के आते हैं आगे, और फिर है आपके पास माइनस का एक्स, फिर है आपके पास माइनस का वाई बट्टे 2 बराबर में देखो 144 है, और फिर प्लस का 1/16 है, तो इसको जब बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 1/16, और प्लस का 1/4 है बराबर किधर लाएंगे बन जाएगा माइनस का 1/4। अब इसको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे देखो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा। पहले तो हम इधर 2 की गुणा करा देते हैं। देखो ये बन जाएगा आपका 2, देखो सबके बट्टे में अगर हम एक लेंगे तो बन जाएगा 2x² प्लस 2y² माइनस का 2x और माइनस का y, और पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा 2। सिर्फ हमने क्या किया, हर बराबर किया यानी एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे 144, 16 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 144, 16 और 4 का निकालेंगे, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो भाग जाएगा किस किस से, 2 से, 2 × 7 = 14, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 2 = 4, ठीक है। ऐसे फिर से 2 से जाएगा, ये जाएगा आपका कितना 36 बार। देखो 2 × 3 = 6, 1 × 4 = 2 × 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 1 = 2, फिर 2 से देंगे यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1, फिर 2 से करेंगे 9, फिर ये 1 1, फिर 3 से करेंगे 3 × 3 = 9, फिर 3 से करेंगे 3 × 1 = 3। देखो सबका एक एक आ गया। सिंपल जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 48 × 9 = 3 से कराएंगे आ जाएगा आपका 144। यानी जब आपने इसका एलसीएम लिया कितना आ गया 144। अगला स्टेप देखते हैं। देखो 144 में 144 से भाग देंगे 1 1 × 1 से कराएंगे आ जाएगा 1, माइनस ऐसे 16 का भाग से 144 में कराएंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। 16 9 होता है 144, 9 × 1 से कराए 9। ऐसे माइनस 4 का भाग कराएंगे 144 में, तो देखो कितना आ जाएगा, 4 भागा 144, 4 × 3 = 12, 2 बचा 24 आ गया, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कितना आपके पास 36। इसको सॉल्व कर लेते, देखो बट्टे में आपका 144 और इधर -9 -36 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपके पास कितना, देखो -36 और -9, 9 × 6 = 15, और 3 और 1 हो जाएगा 4, -45। और यहाँ पे देखो प्लस का 1 है, तो जब हम प्लस 1 जोड़ेंगे -45 में तो बचेगा आपके पास -44, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -44। 36 और 9 को जोड़ा, -45 है, उसमें से प्लस का 1 है उसको हटाया तो बचा आपके पास कितना -44, ठीक है। अब देखो ये बट्टे में 2 है, तो जब आप इसको बराबर किधर लाएंगे किसमें आ जाएगा, गुणा में कंप्लीट। और इधर आपके पास बचा देखो 2x² प्लस 2y² और माइनस का 2x और माइनस का y। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम कट करें तो ये जाएगा आपका देखो 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, ठीक है। फिर 4 से देखो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, ऊपर 11 आ गया, नीचे देखो आपका आ जाएगा 4 × 1 = 4, 3 बचा 4 × 8 = 32, माइनस का 11/18 है। देखो बट्टे में 18 है, इसको आप जब बराबर की तरह ले जाएंगे किसमें चले जाएगा, गुणा में, तो 18 की गुणा जब आप इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 18 × 2 = 36x² प्लस, फिर देखो 2 की गुणा 18 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 36y² फिर
माइनस 2x में कराएंगे तो हो जाएगा 36x माइनस का y की गुणा कराएंगे 18 से, तो आ जाएगा माइनस का 18y। इधर बचा आपके पास कितना, माइनस का 11। ठीक है, तो आ गया आपके पास प्लस 36x² प्लस 36y² माइनस 36x माइनस का 18y प्लस 11। ठीक हो गया कंप्लीट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड भी। आप चाहें तो देखो जो माइनस का 11 है इसको आप बराबर किधर ले जाएंगे तो बन जाएगा क्या, प्लस का 11, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आप यहीं पे छोड़ेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्या निकल करके आ गया, वृत्त का समीकरण। आई होप बच्चे उसको आप अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपके नंबर 4 पर। नंबर 4 बच्चों आपके सामने है, इसमें आपको दे रखा है केंद्र बिंदु जो आपको दे रखा है, ये तो बहुत सिंपल है अगर देखे तो। फटाफट देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। नंबर आपका 4, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैं। नंबर 4 केंद्र बिंदु दे रखे हैं, उनको लिख लेते हैं। केंद्र बिंदु जो आपको दिए हुए हैं 1,1, यानी ये जो आपको दे रखे हैं एच और के का मान दिया है और आर का मान दे रखा है आपको √2। वृत्त का जो समीकरण का फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं, वृत्त का समीकरण। ठीक है, क्या है वृत्त का समीकरण, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रखेंगे देखो, x माइनस एच का मान 1 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस के का मान भी 1 इसका स्क्वायर, और r का मान कितना है √2 और इसका भी स्क्वायर। अब आपको पता है √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखो क्या आ जाएगा। सबसे पहले करेंगे हम ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो आपके पास आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर आ जाएगा माइनस का 2 इंटू एक्स का मान और इंटू वाई का मान 1। फिर ऐसे ही आगे देखते हैं, प्लस फिर से वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और फिर माइनस का 2 इंटू ए का मान वाई इंटू बी का मान कितना 1, बराबर में √2 का स्क्वायर करेंगे 2। कौन सा फॉर्मूला लगाया देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया। ये बन गया देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x, ऐसे ही प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y बराबर 2। फिर बन गया देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर माइनस का 2x माइनस 2y प्लस का 1, और ये प्लस का 1 प्लस का 2 बन जाएगा, बराबर के ऊपर ले जाएंगे माइनस का, तो 2 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। तो नंबर 4 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नंबर 5 पर। नंबर 5 बच्चों आपके सामने है, इसमें कहा है केंद्र आपको दे रखा है माइनस ए और माइनस बी, और त्रिज्या आपको दे रखी है रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही दे दिया है। सिंपल सा है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें केंद्र बिंदु दे रखे हैं उनको हम लिख लेते हैं, केंद्र बिंदु बराबर यानी एच कॉमा के जो आपको दे रखे हैं वो दिए हैं माइनस ए और माइनस बी। ठीक हो गया, और त्रिज्या जो आपको दे रखी है, त्रिज्या यानी आर बराबर वो है रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो निकालना हमें क्या है, वृत्त का समीकरण। तो सिंपल सा है मेथड बच्चों वृत्त का समीकरण निकालने का, जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं, वृत्त का समीकरण। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मान रखेंगे देखो एच का मान है आपके पास कितना, माइनस का ए, देखो एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एच का मान कितना हो जाएगा ए और इस पूरे का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही वाई माइनस और के का मान है माइनस का बी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है आपके पास रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा देखो रूट में ए स्क्वायर
-b² और इस पूरे का क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। तो आपको पता है रूट से आपका क्या है, रूट है और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से आपका रूट हो जाएगा खत्म, तो सिंपल बचेगा। फिलहाल हम इसको बोलते हैं देखो a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू आ जाएगा b, प्लस ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। देखो स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ ले लेते, देखो एक्स स्क्वायर आ गया सबसे पहले, फिर प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, और फिर उसके बाद हम ले लेते हैं देखो 2xa प्लस का, किसी को भी ले सकते हो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, 2x है प्लस ऐसे ही अब ले लेते हैं 2yb, फिर प्लस आपके पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस ए स्क्वायर। ये एक काम कर लेते हैं इन प्लस, देखो अभी आपके पास क्या है प्लस ए स्क्वायर, बराबर की तरह ले आएंगे तो बन जाएगा माइनस के ए स्क्वायर, तो बराबर की तरह हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। हमारे पास बचा है क्या प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, जब इसको प्लस ए स्क्वायर को बराबर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb इक्वल टू 0। देखने को कितना लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा इसमें, बट देखो सिंपल सा इसका आंसर आ चुका है, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by ठीक हो गया। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे एक चीज़ सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पे हमारे पास देखो जो ये बी है दोनों ही माइनस है, ठीक है अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो तो बच गई है, बट ध्यान आ गया। देखो प्लस का स्क्वायर था माइनस ए स्क्वायर कट गया, बट माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे मिलकर के माइनस का 2b² ठीक है। देखो बन जाएगा माइनस का 2b² अब इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इस माइनस 2b² को बराबर की तरह लाएंगे तो बन जाएगा प्लस 2b² वहां पर भी जाकर के छोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका नंबर 5 कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रेखा का समीकरण दे, उसे रेखा कह रहा हूँ, वृत्त का समीकरण दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है और केंद्र, यानी आपको निकालना है किसका मान, एच का, के का मान और आर का मान। अब ये तीन चीजें आपको निकालनी है, ये मान सकते हैं जस्ट आपका उल्टा करना है, जो अभी तक आपने 1 से 5 तक किया ना, आपको h का मान, k का मान और r का मान सिंपल दिया हुआ था, वो आपने फॉर्मूले में रखा। अब वही हम क्या करने वाले हैं, इसको उल्टा लेकर के चलेंगे और वापस हम h, k और r का मान निकालेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। तो देखते हैं नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 6 तो देखो देखने से पता चला है कि वही वृत्त का जो समीकरण का सूत्र है वही आपका यहाँ पर लगने वाला है। तो सिंपल से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना वृत्त का केंद्र एच और के है, माना वृत्त का केंद्र एच कॉमा के व त्रिज्या आर है, ठीक है। अब ये चीज हमने मान ली है और हमें पता है वृत्त का समीकरण क्या होता है, वो भी हम लिख लेते हैं, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण होता है आपके पास एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, क्या समीकरण दे रखा है देखो, उसको हम जस्ट इसके नीचे लिखने वाले, देखो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर है वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आर का मान देखा है आपको 36, ठीक है। और 36 को अगर हम चेंज करना चाहें तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है। देखो तुलना करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एक्स से एक्स खत्म, और यहाँ पे देखो एच आपका कितना है -5 है, और एच कितना है आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें -h, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +5। इस माइनस को जब हम शिफ्ट करेंगे तो देखो ए माइनस जब इधर आएगा तो बन जाएगा कितना -5,
ठीक है, यानी h का मान आ जाएगा सिंपल आपके पास -5। फिर ऐसे ही देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, वाई से वाई खत्म, और इधर आपके पास देखो है माइनस का k और बराबर में है -3, माइनस से माइनस खत्म, k बराबर कितना आ गया +3। और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आर सिंपल कितना आ जाएगा 6। बस इतना सा काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। बट ये क्वेश्चन था डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे रखा था, आपने कंपेयर किया बाहर निकल करके आ गया। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सॉल्यूशन देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले आते हैं इससे नीचे, नंबर 7। अब नंबर 7 में आपको देखो फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर सेम वही चीजें लिख लेते हैं कि जो वृत्त, या फिर एक काम कर लेते हैं इनको हम यहाँ पे कॉपी ही कर लेते हैं, इतना जो हमें बार बार रिपीट करना ना पड़े। समीकरण एक तो हम वैसे ही पूरा क्योंकि लिखने वाले हैं, एक ही चीज़ तो निकालना है, इसमें क्या निकालना है, मतलब वही एक ही चीज़ जो बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट होने वाली, वो तो ये रिपीट हो गई होगा। वृत्त का केंद्र एच कॉमा के है, त्रिज्या आर है, वृत्त का समीकरण आपके पास सी है। अब उसके पास जो हमें समीकरण दे रखा है, ठीक है, उस समीकरण को हम थोड़ा सा, पहले तो हम क्या करेंगे इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे देखो देखो ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर आपका बन जाएगा क्या एच स्क्वायर, फिर माइनस का 2 × ए का मान है एक्स, इंटू बी का मान कितना है एच, ऐसे प्लस फिर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2 × y × k इक्वल टू में आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो फिलहाल आपके पास देखो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस का 2yk इक्वल टू में आर स्क्वायर। और ऊपर देखो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर मिल गया, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हमें ये मिल गया, फिर है माइनस का 4x, ठीक है 4x मिल गया, और उसके बाद 8y है, 8y हमें यहाँ से मिल जाएगा, और आर्क देखो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा तो 0 हो जाएगा। फिलहाल चलो अब आगे देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, और इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं लेकर के। तो आपके पास आ गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसको हम अलग अलग कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इसको। अगर हम इक्वेशन में देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ चुका है, वाई स्क्वायर भी आ चुका है, और 4x 8y, अगर हम एक्स और वाई की बात करें, देखो एक्स हमारे पास यहाँ पे है, वाई यहाँ पर है, बच क्या रहा है हमारे पास एच स्क्वायर बच रहा है और के स्क्वायर बच रहा है। तो एक काम करते हैं हम एच स्क्वायर और के स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 2xh माइनस का 2yk, और बराबर में आ जाएगा देखो हमारे पास प्लस आर स्क्वायर है प्लस एच स्क्वायर है, बराबर कितना आएगा माइनस का क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर बराबर कितना लाएंगे तो बन जाएगा माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1, जो हमें दिया हुआ समीकरण है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया जो समीकरण है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आगे हमें दे रखा है माइनस का 4x, फिर -8y, और फिर हमें दिया है कितना देखो माइनस का 45 है, अगर हम उसको बराबर की तरह लें तो बन जाएगा हमारे पास क्या प्लस का 45। ठीक है, देखो ऊपर हमें -45 है, राइट साइड लाएंगे क्योंकि हमारी त्रिज्या क्या है फॉर्मूले में आर स्क्वायर है, तो उसको हम इक्वल के दूसरी साइड ले आए हैं। तो अगर हम क्या करें यहाँ पर सिंपल इसको तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो लिखेंगे तुलना करने पर, या फिर आप पूरा लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 की तुलना, इसको आप समीकरण ले लीजिए 2, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम इसको कंपेयर करें, देखो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर खत्म, ठीक है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, हमें चाहिए किस किस का मान, देखो एच का मान चाहिए, के का मान चाहिए और आर का मान चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर खत्म, अब यहाँ पे देखो -2xh और यहाँ पे हमारे पास -4x है, यहाँ पे हमें h का मान मिल जाएगा, तो देखो हम ले लेते हैं -2xh बराबर में आ जाएगा आपके पास माइनस का 4x, देखो गुणा में x है, जब आप इसको बराबर कर लाएंगे डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा कट, बचा आपके पास कितना माइनस का 2h बराबर में -4, देखो माइनस का 2 है बराबर कितना लाएंगे किस में आ जाएगा डिवाइड में,
माइनस रहेगा, माइनस से माइनस खत्म, 2 दूनी 4, यानी एच का मान आपके पास कितना आ गया बच्चों, 2। एच का मान निकल गया। ऐसे हम दूसरा कंपेयर करते, देखो माइनस का 2 वाई के है तो इसको हम ले लेते हैं किसके साथ, -8 वाई के साथ। -2 वाई के इक्वल टू में आ जाएगा -8 वाई। देखो माइनस से माइनस खत्म, वाई से वाई खत्म, और इधर बचा आपके पास 2 के इक्वल टू 8, के का मान निकालना है आपका तो ये जाएगा 8/2 यानी 4। अब यहाँ पे आपके पास देखो एच का मान आ गया 2, के का मान आ गया 4। अब आपको निकालना है आर का मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच का मान और के का मान आप निकाल चुके हैं, अगर हम कंपेयर कर, देखो इधर वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट पूरा कंपेयर कर चुके हैं हम इसके साथ। अब इधर वाला कंपेयर करेंगे किसके साथ, इस 45 के साथ। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास क्या, r² + r² - h² - k² इक्वल टू में आपको दे रखा है कितना, +45, ठीक है। बट हमें चाहिए किसका मान, आर का मान चाहिए, तो इस एच और के को हम ले जाते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ से आ जाएगा देखो r² h² देखो 45 लिख लेते, चलो माइनस का h² है बराबर की तरह है, बन जाएगा +h² - k² है बन जाएगा +k² देखो 45 प्लस एच का मान आपने अभी निकाला थोड़ी देर पहले 2, 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, के का मान निकाला आपने 4, 4 का स्क्वायर। तो लास्ट फाइनल जो आपके पास आ जाएगा 45 +2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16। इनको आप जोड़ेंगे 5 4 9 9 6 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 जो हासिल था 6 इक्वल टू में आपके पास r². अब आपको पता है अगर स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा r और रूट में 65 मात्रक या इकाई आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से त्रिज्या आपको मिल गई है, यानी r का मान मिल गया, ये आपके पास आ गया है r यानी त्रिज्या, ये आपके आ गए हैं किसके, केंद्र बिंदु निकल करके आ गए हैं h, k, आप लिख लीजिए केंद्र बिंदु h, k जो आए हैं वो आए हैं आपके पास 2, 4, ठीक है। इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी 6 नहीं, 7 नंबर भी हो गया कंप्लीट, 6 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये था आपका नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आए हो बच्चों, इसको आप पूरा अच्छे से समझोगे, सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है यहाँ पे x² + y² - 8x + 10y - 12 = 0, सेम टू सेम प्रोसेस रहने वाली है, इसमें कुछ अलग नहीं करना हमें, तो सिंपल हम वही लिख लेते हैं, माना माना केंद्र h, k वा त्रिज्या r है, और तब हम लिखेंगे तब वृत्त का समीकरण, वृत्त के समीकरण को हम थोड़ा सा खोल लेंगे, वृत्त का समीकरण, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो वृत्त का समीकरण आपका वही सेम टू सेम निकल करके आने वाला है, तो हम क्या करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन से वही पूरी प्रोसेस हम फॉलो कर लेते हैं, फॉलो क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन से। तो देखो आपकी जो प्रोसेस आने वाली है लगभग, वृत्त का समीकरण से हम यहाँ से उठाएं, वृत्त के समीकरण से, वृत्त का समीकरण आप लिखेंगे, इसको आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और ये आपकी क्वेश्चन जो फर्स्ट तक बनेगी वो आपकी पूरी सेम टू सेम आने वाली है। आएगी या नहीं आएगी आप लोग बताओ मुझे, क्योंकि सब लगभग आपका पूरा सेम टू सेम रहेगा। तो इधर हम आ चुके हैं और यहाँ पे ये आपका नीचे आ चुका है क्वेश्चन, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। देखो ये आपका लगभग पूरा क्या रहने वाला है, सेम टू सेम रहने वाला है, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, ठीक हो गया, ये आपके सामने आ गया है। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन को नीचे लिख लेना है, तो ये समीकरण योग्य होगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो ये तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है, ये पूरा सेम टू सेम आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, खाली आपका कीमती टाइम खराब ना हो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया। तो ये आपको दे रखा है x² + y² - 8x, और फिर आपके पास +10y, और फिर आपके पास देखो माइनस का 12 है, जब हम बराबर की तरह ले जाएंगे तो आ जाएगा +12, समीकरण नंबर 2, -12 था बराबर की तरह है +12 होगा, ठीक है। फिर से आप वही लिखिए समीकरण 1 व 2 को तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, ठीक होगा। जब हम इसको कंपेयर करें, देखो x² से x² खत्म, y² से y² खत्म, बचा आपके पास देखो -2xh और ये आ जाएगा -8x,
यही तो आएगा। देखो एक्स वाले को अगर हम एक्स वाले से कंपेयर करें तो -8x और ऊपर है माइनस का 2xh, माइनस से माइनस खत्म और एक्स से एक्स खत्म, खत्म माइनस का 2h बराबर में कितना आ गया 8। h का मान निकालना है तो ये बन जाएगा देखो आपका 8/2 और h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है, h का मान आपको मिल चुका है कितना 4। अगर हम बात करें नेक्स्ट किसकी, के मान की, तो यहाँ से हम के वाले को कंपेयर कर लेते हैं। देखो के आ जाएगा आपका देखो ऊपर -2yk है, -2yk है और आपके पास नीचे है +10y, +10y। देखो y से y कैंसिल और इधर है आपके माइनस का 2k, -2k कुछ -2 को जब इधर लाएंगे डिवाइड में तो आ जाएगा डिवाइड में 2, माइनस का 2 गुणा में था बराबर कितना है डिवाइड। देखो 2 से सॉल्व करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा -5। h का मान मिल गया, k का मान मिल गया। अब हम निकालना है क्या त्रिज्या, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे देखो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और इक्वल टू में आपको दे रखा है देखो ये वाली पूरी लाइन इसके इक्वल किसके 12 के, ये हमने ले लिए। आर स्क्वायर लिखा माइनस एच स्क्वायर, एच का मान हमारे पास कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। माइनस के का मान है आपके पास कितना देखो -5, तो जब हम इसको -5 को रखेंगे ब्रैकेट में तो बन जाएगा कितना प्लस का 25 बराबर में 12। देखो आर स्क्वायर माइनस का 16 है बराबर कितना लाएंगे तो बन जाएगा +16। 5 का स्क्वायर करेंगे देखो 25 प्लस का और माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस का बाहर एक बार है और अंदर आएगा प्लस का 25, जब 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा -25 बराबर कितना लाएंगे तो बन जाएगा कितना प्लस का 25 कंप्लीट। अगर हम इसको अगर ऐड करें तो देखो ये आपका हो जाएगा 5 और 5 10 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 2 3 और 1 4 और 1 5 53 आ गया। इधर आपके पास कितना है आर स्क्वायर, आर का मान चाहिए स्क्वायर रूट का क्या लग जाएगा रूट, तो इस तरह से आर का मान कितना आ गया 53। तो आपको क्या चाहिए था वृत्त का केंद्र, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वृत्त का केंद्र क्या निकल करके आए हैं आपके 4, -5 और त्रिज्या जो आई है आपके पास वो निकाली है आपने कितना रूट में 53। अब देखो अगर हम पूरी प्रोसेस को लगभग लगभग हमारी 50% 60% सेम टू सेम थी, बस हमने लास्ट में हमने क्या किया कंपेयर किया। इसी साथ नंबर आपका कौन सा 8 कंप्लीट। 9 नंबर का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं इधर ही साइड में। आई होप बच्चों अब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन भी देखते हैं यहीं पर, और कोई भी डाउट हो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट डालिए सर ये वाला स्टेप हमको समझना है। देखो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो 2x² है +2y² है, तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं वही पूरा स्टार्टिंग का, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट तक आपका सेम टू सेम आने वाला है, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं उठा करके ले चलते हैं इधर और फिर से हमारा आधा काम बच जाएगा। इतना तो आपकी पूरी प्रोसेस सेम आने वाली है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया समीकरण है हम उसको लिख लेते हैं, दिया गया इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण और इक्वेशन आपको जो दे रखी है वो है आपके पास 2x², 2x² +2y² -x = में 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लिखेंगे समीकरण एक व दो की तुलना करने में, समीकरण एक व दो की तुलना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ना सिर्फ x है, y का मान तो है नहीं हमारे पास, तो अगर हम इसमें इसको कंपेयर भी करें h और x के मान को, तो यहाँ पर देखो x² वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहली बात देखो हमें चाहिए किसका मान h और k का, तो देखो सिर्फ h और k को देखते तो h आपका ये रहा और x देखो आपका x है तो x वाला पद ये है, तो इसको हम ले लेते हैं एक साथ, तो यहाँ से देखो आपके पास आ जाएगा कितना माइनस का 2xh = में आपके पास -x। ठीक हो गया, और यहाँ से अगर बट यहाँ से देखो अगर हम उससे पहले एक चीज और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ऊपर आपके पास x² है बट नीचे आपके पास क्या है 2x² है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे इस 2 को हटाएंगे। जब हम इस 2 को हटाएंगे तो उसके लिए देखो थोड़ा सा आपका ये समीकरण बदलेगा,
इस दो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में क्या करते हैं, दो से भाग दे देते हैं। लिखेंगे इसको समीकरण दो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें देखो दो से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, जब तुलना करेंगे तो सेम होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लिखेंगे समीकरण दो में दो से भाग, समीकरण दो में दो से भाग करने पर, जब दो से भाग करेंगे तो बन जाएगा देखो दो एक्स स्क्वायर बट्टे में दो प्लस दो वाई स्क्वायर अपॉन में टू माइनस का एक्स अपॉन टू इक्वल टू में जीरो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से अगर आपको दो से क्या किया हमने, भाग किया, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से देखो दो से आपका दो कट हो जाएगा, दो से आपका दो कट हो जाएगा, बचा गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स बट्टे दो बराबर में जीरो। अब आप लिख लें इसको समीकरण नंबर तीन। अब आप करेंगे तुलना किसके, समीकरण एक और तीन की। तो यहीं साइड में आप लिखें समीकरण एक व तीन की तुलना करने पर, समीकरण एक व तीन की तुलना। ठीक है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वाई से वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा आपके पास देखो माइनस का टू एक्स एच और इधर आपके पास माइनस का एक्स बट्टे दो। तो देखो ये माइनस का एक्स ऊपर गुणा में है, जब आप इधर लाएंगे डिवाइड में आएगा, या फिर ये एक्स जो है इस एक्स को आप इधर लाएंगे बट्टे में आएगा, एक्स से एक्स खत्म, देखो एक्स एक्स से एक्स खत्म, ऊपर बचा माइनस का एक, माइनस का दो है ऊपर, देखो बचा आपके पास एक, माइनस का दो है जब आप इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा, बट्टे में माइनस का एक बचा ऊपर, तो ये आ जाएगा देखो दो के गुणा दो से कराएंगे चार। ठीक है। अब देखो माइनस और ये माइनस हम पहले ही कर देते हैं खत्म। दोबारा से देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया आपको, तो दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं, माइनस का दो एक्स एच है और इधर है आपके पास हमारे पास माइनस का एक्स बट्टे दो, माइनस से माइनस खत्म, एक्स से एक्स खत्म, एच बराबर आ जाएगा देखो ऊपर, तो अब जब कट हो गया तो एक बचा और नीचे दो दो हो जाएगा चार, एच का मान आ गया एक बट्टे चार। और ऐसे अगर हम कंपेयर करें माइनस टू वाई के को, माइनस टू वाई के को, अब वो वाला पद है ही नहीं हमारे पास, तो हम क्या लेंगे जीरो, तो के का मान निकालेंगे देखो जीरो, वाई से तो वाई खत्म हो जाएगा, ठीक है, बट वाई वाला पद ही नहीं है हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये माइनस का टू वाई जब आप बराबर के इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा माइनस टू वाई, और जीरो के बट्टे में कुछ भी होता है क्या बन जाता है जीरो। दो चीजें मिल गई। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या, वृत्त की त्रिज्या। तो हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर बराबर में कितना है, अब देखो कुछ है नहीं हमारे पास, तो जीरो लिखेंगे इक्वल टू में, और लास्ट स्टेप आपका बचा है देखो आर स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर बराबर कितना लाएंगे, प्लस एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर बन जाएगा प्लस के स्क्वायर, एच का मान है आपका उस कितना है एक बट्टे चार और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, के का मान है जीरो इस जीरो का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो लाइन आ जाएगी देखो एक बट्टे चार का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा कितना, एक बट्टे सोलह। और यहाँ से हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, यह है आपका आर स्क्वायर। ठीक है। तो देखो जीरो का स्क्वायर तो आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से लास्ट देखो आपके पास आर स्क्वायर आ गया कितना, एक बट्टे चार का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आर बराबर कितना बचेगा आपके पास एक बट्टे चार, त्रिज्या आपकी एक बट्टे चार और एच का मान एक बट्टे चार। तो लास्ट लाइन आपने यहाँ पर क्या लिखनी है, केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र एच कॉमा के कितना है आपके पास, एक बट्टे चार कॉमा जीरो, और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो निकल करके आई है वो भी कितनी है, एक बट्टे चार। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, नाइन भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अभी तक हमारे 10 से लेकर के 15 तक, यानी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में। बाकी आप सभी का थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी वेबसाइट है kambhosar.com के नाम से, जरूर विजिट करेगा, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट नोट्स सभी सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे, kambhosar.com जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके साथ। बाकी शुभकामनाएं हैं सभी को, आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा आपके मेन एग्जाम में।